नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखे, ऐसी कामना करते हैं। तो एक जातक हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने अपने हाथ को बढ़वाने के लिए हमेशा विनती की है। तो इनके फ्यूचर को हम देखते हैं कि आगे चलकर कैसा फ्यूचर इनका रहने वाला है और कौन से इनके हाथ में शुभ और अशुभ रेखाएँ मौजूद हैं। ठीक है, तो पूरा हाथ रीड करते हैं, देखते हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के नीचे दिया होता है, नहीं तो हमारे सेंटर से के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे सेंटर का एड्रेस भी नीचे दिया होगा। चलिए इस हाथ को पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को देखेंगे, सबसे आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, जैसे अपनी स्क्रीन पर हाथ देख पा रहे हैं, हाथ जो है साइज़ में कह सकते हैं कि लंबा है। एक आइडियल हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आपको चौड़ापन दिखेगा, चौड़ापन हाथ में ज़्यादा नहीं है। जितना हाथ चौड़ा होता है, व्यक्ति को जो कह सकते हैं शारीरिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उसको शारीरिक मेहनत ज़्यादा पसंद होती है जब हाथ चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर हाथ चौड़ा नहीं है, हाथ जो है लंबाई लिए हुए है। सभी पोर्स जो देखेंगे आप, हाथ लंबा है। तो ऐसे जातक को ऑफिस वर्क ज़्यादा करना पसंद है, या फिर कह सकते हैं कि आगे चलकर भी जो कैरियर रहेगा वो यहाँ पर ऑफिस वर्क वाला रहेगा, या फिर कैसे दिमागी मेहनत ज़्यादा रहेगी, शारीरिक मेहनत यहाँ पर कम रहेगी। ठीक है, फिंगर्स की अगर प्लेसमेंट देखें, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि सूर्य की फिंगर आपको ज़्यादा लंबी दिखेगी गुरु से। ठीक है, तो ऐसे जातक को किसी की अंडर काम करना पसंद नहीं होता। ठीक है, जब सूर्य की फिंगर लंबी हो जाती है तो ऐसे जातक को किसी की अंडर काम करना पसंद नहीं होता है, ये श्योरिटी है। और जब सूर्य अच्छे होते हैं, सूर्य की फिंगर अच्छी होती है, तो जातक के अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ तो होती हैं, साथ में अपना नाम बनाना, अपना फेम बनाना, अपनी पहचान बनाना, मन में हमेशा कोई ना कोई ऐसी ललक रहती है। तो उस चीज़ में व्यक्ति कामयाब होता है, अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन या गवर्नमेंट क्षेत्र में जाकर सफलता पाता है ऐसे जातक। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर मैं यहाँ पर पैसों की बात करूँ, आगे चलकर पैसा काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी अच्छा रहेगा पैसा जीवन में आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पर शनि माउंट में या शनि फिंगर में आपको किसी प्रकार की टिल्टेशन नज़र नहीं आएगी। बिल्कुल सीधा हाथ है और आपको यहाँ से आपको हाथ मोटा हुआ, फिंगर मोटी होती हुई नज़र आएगी, यहाँ से आपको पतली होती हुई नज़र आएगी। सभी फिंगर्स में यही आपको जो सिनेरियो दिखेगा, तो ये नज़र आ रहा है कि हाथ में वो थिकनेस है, तो व्यक्ति के पास पैसा अच्छा खासा बनेगा आने वाले फ्यूचर में। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ इनके बुध फिंगर की, तो बुध की फिंगर फर्स्ट बैलेंस को पार कर रही है। ठीक है, फर्स्ट बैलेंस को पार कर रही है। ऐसे जातक ऑफिस वर्क काफ़ी अच्छा कर पाते हैं, जब उनको दिया जाए ऑफिस वर्क काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। इंटरनेट से जुड़े, अगर जो व्यक्ति जुड़े इंटरनेट से, दुनिया से जुड़े, या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े, मतलब ऐसे जो सेक्टर होते हैं जहाँ फिर ऑफिस वर्क होता हो, अगर उस क्षेत्र से जुड़े तो कामयाबी अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि ऐसे जातक की बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इनके हाथ में तो वैसे ही सूर्य अच्छे हैं और बुध अच्छे हैं, तो बहुत से अच्छे चांसेस हैं। अगर अपना प्रोफेशन, अगर आप बिज़नेस करें, अगर उस क्षेत्र में जाएं, तो काफ़ी फ़ायदेमंद इनके लिए होगा। क्योंकि और भी आपको नीचे रेखाएं दिखाऊंगा जो आपको ये बता सकेंगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनके थंब की, थंब का जो साइज़ है ठीक ठाक है, थंब की पिक्चर थोड़ी नहीं आई है, थोड़ी सी विल पावर थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि जो फर्स्ट पोर है छोटा आपको नज़र आएगा, थोड़ी विल पावर कम नज़र आ रही है, जिसके वजह से मन जो है जल्दी परेशान हो जाता है। ठीक है, विल पावर जब ऐसी कम रहती है, जब इसका ऐसा अमाउंट कम रहता है। लेकिन यहाँ पर अंगूठे पर एक यव का निशान आपको बनता हुआ दिखेगा। ये यव का निशान अगर अंगूठे पे बन रहा है किसी के हाथ में, जातक का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है, साथ में पैसा जीवन में काफ़ी अच्छा रहता है। दो क्षेत्र काफ़ी अच्छे हो जाते हैं जब आपको अंगूठे पर ऐसा यव का निशान दिखे। तो फिंगर से ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर माउंट्स की बात करूँ, तो सभी माउंट्स को स्पेस जो है, पर्वतों की बात करें, सभी पर्वतों को यहाँ पर स्पेस अच्छी खासी मिल रही है, ख़ास तौर पर गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत पर क्या साइन आपको बनते हुए नज़र आएंगे? देखिए, यहाँ पर एक स्क्वायर का निशान आपको बनता हुआ नज़र आएगा। जब स्क्वायर का निशान आपको गुरु पर्वत पर नज़र आए, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो किस्मत है काफ़ी अच्छा आगे चलकर
चमकने वाली है, अच्छा साथ देने वाली है, क्योंकि ऐसे पॉजिटिव निशान अगर गुरु पर्वत पर हैं तो आपको सभी सुख मिलेंगे, क्योंकि इनके हाथ में वो निशान मौजूद दिख रहे हैं। ठीक है, एक डमरू से आकृति यहाँ पर बनती हुई आपको दिखेगी, अगर आप ध्यान से न देखें। देखिए यहाँ पर यहाँ पर कुछ ऐसी आकृति आपको बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है, और यहाँ पर एक स्क्वायर का निशान बनता हुआ नज़र है। गुरु पर्वत अति शुभ है इनका, गुरु पर्वत बहुत ही शुभ है, तो आने वाला टाइम सिर्फ इनका होने वाला है, ये यहाँ पर तय है, क्योंकि गुरु पर्वत आपको सभी सुख सुविधाएं देते हैं, गाड़ी बंगला रुपया पैसा सब कुछ देंगे। ठीक है, और कभी भी किसी के सामने आपको झुकने नहीं देंगे, आपको इतना बड़ा कर देंगे, क्योंकि गुरु पर्वत काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, अभी भले ही स्ट्रगल है, लेकिन आगे चलकर बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं, ये तय है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूँ इनके शनि पर्वत की, तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जब शनि पर्वत पर भाग्य रेखा पहुँच रही है तो किस्मत आपकी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि कई हाथों में शनि भाग्य रेखा आपको मत्स्य रेखा पर रुकती हुई नज़र आएगी, कई हाथों में आपको यहाँ पर हृदय रेखा पर रुकती हुई नज़र आएगी, लेकिन इस हाथ में क्या हो रहा है कि भाग्य रेखा शनि पर्वत के बिल्कुल मिड में पहुँच रही है। बहुत ही आइडियल की सिचुएशन बनती है किसी भी व्यक्ति के लिए, धन के मामले में और जो भी प्रोफेशन व्यक्ति करेगा उसके मामले में, तो शुभ अच्छे परिणाम यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए सूर्य पर्वत की स्थिति अगर देखें, सूर्य पर्वत अगर इस हाथ में देखें तो सूर्य पर्वत भी आपको नज़र आएगा, सूर्य पर्वत थोड़े से आपको दबे हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर दबाव है ये दिख रहा है, लेकिन इस पे ऊपर एक सूर्य रेखा आपको हल्की सी बनती हुई उभरती हुई नज़र आएगी, और थोड़ा दबा हुआ अमाउंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि जीवन में सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, आने वाला टाइम में पैसा रुपया धन दौलत जो भी है आपको अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, अप्रॉक्स मान के चले कि 5 से 6 साल जो है आपको और इंतजार करना पड़ सकता है, उसके बाद ही जीवन में तरक्की होनी चालू हो जाएगी। यहाँ से आपको सूर्य पर्वत से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए धन की स्थिति अगर बुध पर्वत से देखें, बुध पर्वत से आपको नज़र आएगा यहाँ पर ये निशान, कुछ खड़ी रेखाएं दिख रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि धन के मामले में हाथ बहुत ज़्यादा शुभ है आगे चलकर, और यहाँ पर गुरु पर्वत पर और बुध पर्वत से ये नज़र आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सी स्थिति बन रही है, अगर मैं शुक्र पर्वत की बात करूँ, शुक्र पर्वत पर खड़ी रेखाएँ भी हैं और आड़ी रेखाएँ भी हैं, लेकिन आड़ी रेखाएँ ज़्यादातर मंगल क्षेत्र की तरफ से आ रही हैं, यहाँ पर खड़ी रेखाएँ ज़्यादा हैं और माउंट थोड़ा सा है, थोड़ा सा दबा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सूर्य पर्वत का दबना और शुक्र पर्वत का दबना हाथ में वो निशान सब है, क्योंकि कई हाथों में आपने देखा होगा कि बहुत से अच्छे निशान होते हैं, लेकिन व्यक्ति उनका फ़ायदा नहीं ले पाता है, या फिर व्यक्ति उनसे फ़ायदा लेना चाहे लेकिन किस्मत का साथ उतना नहीं मिल पाता है, बहुत टाइम लग जाता है, तो वही स्थिति हाथ में नज़र आ रही है। इनके पर्वत, इनके फिंगर्स सभी अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा अपने स्किल के ऊपर, तभी आपको चीज़ें हासिल होंगी। हाथ में सब कुछ अच्छा है। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पर बहुत अच्छा संयोग यहाँ पर बनता हुआ आपको नज़र आएगा चंद्र पर्वत पर। देखिए चंद्र पर्वत पर क्या हो रहा है कि चंद्र पर्वत पर देखिए ये इनकी भाग्य रेखा है, ठीक है दिख रही है आपको, और ये एक रेखा यहाँ से निकली और यहाँ पर एक ट्रायंगल का निशान बना, और ट्रायंगल के निशान से ये अटैच हो गई लाइन। ठीक है, ये हाथ में फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, जब आपको ऐसी काफ़ी हाथों में आपने देखा होगा कि सीधी लाइन आपको भाग्य रेखा नज़र आएगी और एक लाइन निकलकर आपको भाग्य रेखा से जुड़ती हुई नज़र आएगी, ये तो हम देखते हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग करता है व्यक्ति, नहीं तो ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है, जो किस्मत चमकती है, किसी के दूर वाले पर्सन से किसी बाहर वाले पर्सन से जुड़ती है, और ऐसे जातक अपने जीवन में 100% फॉरेन ट्रैवलिंग या बाहर जाता है। लेकिन इस हाथ में और भी स्ट्रॉन्ग कंडीशन बन रही है, क्योंकि ये तो इनकी भाग्य रेखा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना आपको दिख रहा है और उसके साथ भाग्य रेखा जुड़ी। तो ट्रायंगल का क्या है, ट्रायंगल का ये साइन होता है कि व्यक्ति बाहर जाएगा लेकिन धन भी काफ़ी अच्छा कमाएगा बाहर से फॉरेन से बहुत अच्छा धन कमाने का योग ये है। तो हाथ में बहुत अच्छे शुभ निशान यहाँ पर मुझे दिखे और ये चीज़ें नज़र आई। अब देखिए इनके अगर हम रेखाओं के बारे में बात करें
तो आपको दिखेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकी ये रेखा है जीवन रेखा। जीवन रेखा में आपको वो थिकनेस नज़र नहीं आएगी, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं क्योंकि जब हेल्थ लाइन वीक होती है तो बीमारियां जल्दी पकड़ती है शरीर को, कोई ना कोई दिक्कतें हमेशा लगी रहती हैं और आने वाले टाइम में वो दिक्कतें बढ़ेंगी। हेल्थ रिलेटेड परेशानियां यहाँ पर हमेशा रहने वाली हैं। कुछ राहु रेखाएं आपको देखिए, मैंने कहा था कि हाथ में बहुत से शुभ निशान हैं, उनका फल आपको मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये राहु रेखाएं आपसे वो परिश्रम करवाएंगी। अगर मेहनत आप करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर भाग्य रेखा की बात करो, देखिए भाग्य रेखा स्टार्टिंग से ही अंदर की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो पारिवारिक सपोर्ट की वजह से ही अभी चल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में समय बदलेगा आपको इस एज में, देखिए इस एज में क्या हो रहा है कि भाग्य रेखा टूट रही है, अलग से चंद्र पर्वत से एक भाग्य रेखा आकर जुड़ती हुई आपको नज़र आएगी। तो ये एज बन रही है, कम से कम मान के चले कि 27 से 29 की एज, 27 से 29 की एज ये बन रही है आसपास, उसके 27 से 29 के आसपास ही उसका भाग्योदय होगा आपका, और उसके बाद से ही आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू होगी और आपके लिए वो अच्छे चीज़ें होंगी चालू हो जाएंगी। तो ये 27 से 29 के बीच में ही भाग्योदय होना चालू दिख रहा है, उसके बाद तो आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि अगर मैं मसीह रेखा की बात करूँ तो मसीह रेखा जो है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये लिखा, यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ी सी ब्रॉड हो रही है, ठीक है। सिरदर्द, आँख से रिलेटेड दिक्कतें, आँख में परेशानी, ठीक है, रोशनी का कम होना, वो चीज़ें आपको फेस करने को मिलेंगी जब यहाँ पर हृदय रेखा थोड़ी सी ब्रॉड होती है, सॉरी यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा माइंड लाइन थोड़ी ब्रॉड होती है, थोड़ी मेंटली प्रेशर, मेंटली टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा इस एज में होती है, और ये एज बन रही है 20 से लेकर यहाँ पर 26 साल के बीच में, ठीक है। उसके बाद जो है लाइन थोड़ी सी आपको नैरो होती हुई दिखेगी, अच्छी खासी यहाँ पर थिकनेस नज़र आती हुई दिखेगी, उसमें उसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल का निर्माण आपको होता हुआ दिखेगा, देखिए ये यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा है, ये इनकी मत्स्य रेखा है, और यहाँ पर एक हृदय रेखा या हम कह लें कि हेल्थ लाइन जाती हुई देखिए, अच्छे खासे मनी ट्रायंगल का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो स्टार्टिंग से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि हाथ में पैसों की स्थिति काफ़ी अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। इतना धन आएगा कि काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, बहुत धन आपको यहाँ पर अर्जित करने का मौका मिलेगा, ठीक है। हृदय रेखा थोड़ी ख़राब है, हृदय रेखा में आपको जगह जगह पर आइलैंड की फॉर्मेशन, और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यह थोड़ी सी लाइन डार्क है, ठीक है, डार्क है, ठीक है। डार्क होता है तो क्या होता है कि जो हमारे पेट से नीचे वाले अंग होते हैं, मतलब जो हम कह सकते हैं मल मूत्र वाले अंग होते हैं, उनमें थोड़ी दिक्कतें होने के चांस रहते हैं, मतलब पैरों के नीचे या फिर पेट से नीचे जो अंग होते हैं, कोई भी अंग, पैर हो गया, मलमूत्र वाले अंग हो गए, कोई भी पार्ट हो गया, उसमें दिक्कतें होने के चांसेस रहते हैं, तो ये चीज़ नज़र आ रही हैं। तो हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ी सी हाथ ये शुभ नज़र नहीं आ रहा है। एक और निशान दिखाऊंगा आपको, हृदय रेखा ये त्रिशूल की स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी। मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ बताया कि बहुत ही कम हाथों में ऐसी स्ट्रक्चरें बनती हैं, इनके हाथ में ये बन रहा है, मतलब ये बताता है कि जीवन में व्यक्ति बहुत अच्छा ओहदे पर, एक अच्छी पोस्ट पर जाने वाला है। जब देखिए त्रिशूल का निशान एक निशान है शंकर जी का, और ये निशान अग्रेशन का भी है, ठीक है, अग्रेसिव चीज़ों का भी है, लेकिन अगर किसी के हाथ में ये बनता है तो मान के चलेंगे अच्छी ओहदे पर, एक अच्छी पोस्ट पर, एक अच्छे मुकाम पर व्यक्ति पहुंचता है। बहुत ही कम हाथों में ऐसे देखने को आपको मिलेगा त्रिशूल इस हाथ में बन रहा है, तो इस यही ये भी इंडिकेशंस हैं कि 28-29 साल के आसपास आपका भाग्योदय बहुत ही तेज चमकेगा, और अपने स्किल के ऊपर काम करते रहें, और कैरियर इस हाथ से काफ़ी अशुभ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप शेयर कर सकते हैं और